गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा आज हम अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस बुक की यूनिट 3 प्रोनाउंस करेंगे. होप आपने जो वीडियो मैंने भेजी थी केयरफुली वॉच की होगी और अंडरस्टैंड भी की होगी. उसमें आपको मैंने काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस एक्सप्लेन किए हुए थे. तो अब हम इस वीडियो में बुक वर्क करेंगे और साथ साथ डिस्कस भी करेंगे विच काइंड ऑफ प्रोनाउंस आर दीज. लेट अस स्टार्ट आवर वर्क. Unit 3 pronouns. Here is a story given, the hare and the tortoise. You must have read this story before earlier also. Read the story, the hare and the tortoise, given below. A hare was once boasting of his speed to other animals. I have never yet been beaten in a race, he told them. एक बार एक हेयर बोस्टिंग मीन्स शेखी मारना, जिसे आप कहते हैं बड़ी बड़ी डींगे मारना, बातें मारना, अपनी स्पीड के बारे में दूसरे एनिमल्स को शेखी मार रहा था. आई हैव नेवर येट बीन बीटन इन अ रेस, कि मुझे किसी के द्वारा अब तक रेस में बीटन मीन्स हराया नहीं गया है. ही टोल्ड दैम, ही इज यूज फॉर द हेयर. ही जो है बेटा हेयर के लिए यूज़ हुआ है, इस बात को जरा ध्यान से देखेंगे. टोल्ड दैम एंड दैम इज़ यूज फॉर द एनिमल्स, जिनके साथ वो बात कर रहा है. आई कैन रन फास्टर देन एनी ऑफ यू, उसने कहा कि मैं आप में से किसी भी से भी ज़्यादा फास्ट रन कर सकता हूँ. आई चैलेंज एनी वन हेयर टू रेस विद मी, कि मैं मैं जो भी यहाँ पर हैं उन सभी को अपने साथ रेस लगाने की चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ कि आके देखो मेरे साथ रेस लगा कर देखो, मैं सबको हरा दूंगा. द टॉर्टोइज सेड क्वाइटली, टॉर्टोइज ने धीरे से, क्वाइटली चुपचाप से धीरे से कहा, आई एक्सेप्ट द चैलेंज, कि मैं तुम्हारा चैलेंज, तुम्हारी चुनौती को एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ. दैट इज़ अ गुड जॉक, द हेयर लाफ्ड, जो हेयर था वो हंसा और उसने कहा कि ये तो बहुत बड़ा मजाक है कि एक हेयर जो इतनी तेज़ भागता है और टॉर्टोइज जो बिल्कुल धीरे धीरे चलता है वो उसके साथ रेस लगाएगा. तो उस पर हंसा जो हेयर था. आई कुड डांस अराउंड यू ऑल द वे, कि मैं तुम्हारे चारों तरफ डांस करते हुए भाग सकता हूँ. मीन्स वो उसका, टॉर्टोइज का मजाक उड़ाता है कि मैं जो हूँ तुम्हारे चारों तरफ डांस करते हुए भी अगर चलूँगा, भागूँगा, तब भी मैं तुमसे पहले पहुँच जाऊँगा. कीप योर बॉस्टिंग अनटिल यू हैव वन, आंसर द टॉर्टोइज. शैल वी रेस, और टॉर्टोइज ने उसे कहा कि अपनी शेखी तब तक मार लो जब तक तुम जीतते नहीं हो. शैल वी रेस, कि क्या हमें अब रेस शुरू करनी चाहिए. शैल वी, वी इज यूज हेयर फॉर द हेयर एंड द टॉर्टोइज. ओके, नाउ राइट डाउन ऑल द वर्ड्स द हेयर यूजेस टू एड्रेस हिमसेल्फ. जो एड्रेस हिमसेल्फ मीन्स, कि यहाँ पर उन वर्ड्स को आपने लिखना है जिसमें जो वर्ड्स हेयर ने अपने लिए यूज़ किया, अपने आप को एड्रेस करने के लिए. वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल. बेटा आपने प्रीवियस वीडियो में पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा होगा. पर्सनल प्रोनाउंस आई, मी, वी, यू, दे, जो भी आपको उसमें दिए गए थे, टेबल भी उसमें दी गई थी. तो उस टेबल को हम बाद में इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ हुए हैं इसमें. पर्सनल प्रोनाउन क्या होती है, जो कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग की जगह जो यूज़ होती हैं. जैसे गीता राइट्स नीटली, गीता इज़ अ गुड गर्ल, गीता स्टडीज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड. इंस्टेड ऑफ यूजिंग गीता एंड गीता अगेन एंड अगेन, वी कैन यूज़ हेयर शी. तो शी इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन बिकॉज इट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ गीता, नेम ऑफ अ नाउन. ओके, तो अब हम इस पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और देखते हैं. फर्स्ट वर्ड आई, आई इज यूज्ड फॉर हेयर. एंड नाउ इन थर्ड लाइन द हेयर सेड, आई चैलेंज एनी वन हेयर टू रेस विद मी. फॉर हिमसेल्फ ही यूज द वर्ड मी, सो मी इज ऑल्सो यूज्ड हेयर फॉर द हेयर. And now write down the words the tortoise uses for the hare. अब आपने बताना है कि tortoise ने hare के लिए कौन से word use किए हैं. For example, in a line
कीप योर बॉस्टिंग लास्ट लाइन में अनटिल यू हैव वन, कि अपनी शेखी को तब तक मारो जब तक तुम जीत नहीं जाते। तो यहाँ पर यू एंड यूअर जो टॉर्टोइज ने हेयर के लिए यूज़ किया है, तो हमने यहाँ पर यू एंड यूअर को लिखा है। नेक्स्ट, वट वर्ड डज द टॉर्टोइज यूज़ फॉर बोथ द हेयर एंड द हिमसेल्फ, कि हेयर ने टॉर्टोइज के लिए अपने लिए और सॉरी टॉर्टोइज ने हेयर और अपने लिए कौन से वर्ड्स यूज़ किए थे, शैल वी रेस, कि क्या हमें अब रेस शुरू करनी चाहिए। हेयर और टॉर्टोइज के लिए वर्ड यूज़ हुआ वी, सो वी इज ऑल्सो हेयर अ पर्सनल प्रोनाउन। वट वर्ड्स हैज़ बीन यूज इंस्टेड ऑफ द वर्ड एनिमल्स, एनिमल्स की जगह उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है, दैम, सो ऑल दीज वर्ड्स आर प्रोनाउंस बिकॉज दे आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउंस। The words you have written are called pronouns. They stand for the nouns hare, tortoise and animals. Hare, tortoise, animals, ये भी living things हैं, तो इनके लिए nouns, जो ये noun है इनके लिए हमने ऊपर जो words boxes में लिखे हैं वो use किए हैं इनके नाम की जगह, तो ये हमारे सारे personal pronoun हैं। Now let's start our worksheet one. Worksheet one. Now imagine you are here, you continue to narrate the story to your friend, use pronouns to complete the story, the first sentence has been done as an example. अब आप इमेजिन करो कि आप here हो और आप अपनी ये स्टोरी अपने फ्रेंड को नरेट कर रहे हो, सुना रहे हो, और उसमें आपको स्टोरी को कम्प्लीट करने के लिए प्रोनाउंस यूज़ करना है। इमेजिन योर सेल्फ हेयर, नाउ हेयर इज़ नरेटिंग द स्टोरी, इमेजिन योर सेल्फ हेयर। After the tortoise challenged me, कि जब tortoise ने मुझे challenge किया, me is used, underlined word is used here for the tortoise, hare. A course was fixed and a start made, कि जब tortoise ने मुझे challenge किया तो उसके बाद एक course fix किया गया और start की गई race. Dash ran out of sight at once, कि मैं एकदम से जगह से भागना शुरू किया, तो मैं कौन है यहाँ पर, हेयर, हेयर अपने लिए वर्ड यूज़ करेगा आई, फॉर आर सेल्फ अपने आप के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे आई, तो आई यहाँ पर प्रोनाउन है। बट द टॉर्टोइज डिडंट गिव अप, लेकिन टॉर्टोइज ने भी हार नहीं मानी, गिव अप मीन्स हार मानना। डैश कॉन्टिन्यू टू वॉक स्लोली, अब जो है हेयर यहाँ पर हमें स्टोरी सुना रहा है, तो वो टॉर्टोइज के लिए क्या वर्ड यूज़ करेगा, ही कॉन्टिन्यू टू वॉक स्लोली बट स्टेडली, स्टेडली कॉन्टिन्यूसली, कि उसने भी धीरे धीरे चलना शुरू किया लेकिन लगातार। सून नोइंग दैट ही वॉज फार बिहाइंड डैश स्टॉप्ड, सून नोइंग दैट, कि ये जानकर दैट ही वॉज फार बिहाइंड, ही कौन सुना रहा है हमें स्टोरी, इस बात को ध्यान में रखना है कि ये जानकर कि वो बहुत पीछे था, ही इज़ यूज हेयर फॉर द टॉर्टोइज। आई स्टॉप्ड टू हैव अ नैप, नैप मीन्स थोड़ी सी नींद लेना, जैसे झपकी सी लेना, दिन में जैसे हम थोड़ा सा देर के लिए रेस्ट करते हैं और हल्की सी आँख लग जाती है, नैप। आई इज़ यूज हेयर फॉर द हेयर, बट वेन डैश वोक अप, कि जब मैं उठा, हेयर आई वोक अप फ्रॉम माई नैप, I saw that he was far ahead of me. He means he is used here for the tortoise. Of me. Me is used here for the hare. कि वो मेरे से बहुत आगे था. Me. Quickly I got up. मैं उठा and ran as fast as I could. और उतनी तेज़ भागा जितनी तेज मैं भाग सकता था. But he had already touched the finish line. लेकिन वो पहले ही finish line को touch कर चुका था. तो ही इज़ यूज हेयर फॉर द टॉर्टोइज एंड आई इज़ यूज हेयर फॉर द हेयर एंड मी इज़ ऑल्सो यूज फॉर द हेयर। वंस अगेन, ही इज़ यूज हेयर फॉर द टॉर्टोइज एंड आई इज एंड मी प्रोनाउंस आर यूज फॉर द हेयर। इज इट क्लियर? नाउ स्टार्ट वर्कशीट टू। बेटा आपने मिक्सअप एट बर्थ लेसन रीड कर चुके हैं, इसके रिलेटेड ये एक्सट्रैक्ट लिया गया उस स्टोरी में से, इसमें से आपको सर्कल करने हैं,
प्रोनाउंस को और फिर नीचे एक एक्सरसाइज दी है उसे फिल करना है। देखो, आई एम ग्रेटफुल टू माई अंकल फॉर नोटिसिंग द होल फॉर आई हैव ऑफन वंडर्ड वट वुड हैपन्ड इफ ही हैड नॉट बीन अलर्ट। कि मैं अपने अंकल का ग्रेटफुल हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे जो लेफ्ट ईयर लोब में होल था उसे नोटिस किया कि अगर ऐसा नहीं होता, वो अलर्ट नहीं होते तो पता नहीं क्या हो गया होता। परहैप्स आई वुड हैव ग्रोन अप टू बी अ फिशरमैन वर्किंग समवेयर अलोंग द वेस्ट कोस्ट। कि वेस्ट कोस्ट पर मैं कहीं पर फिशरमैन के रूप में काम करके कर रहा होता। आई ऑफन थिंक द बेबी हु फॉर अ स्पेल टुक माई प्लेस आई ऑफन थिंक अबाउट द बेबी। कि मैं अक्सर उस बेबी के बारे में सोचता हूँ जो फॉर अ शॉर्ट पीरियड कुछ समय के लिए मेरे साथ बदला गया था, जिसने मेरी जगह ले ली। आई डोंट नो इफ ही इज़ इंटरेस्टेड इन क्रिकेट और वेदर ही विल एवर रीड दिस बुक। आई कैन ओनली होप दैट इफ ही डज ही विल स्टार्ट टेकिंग अ लिटल मोर इंटरेस्ट इन सुनील गावस्कर। यू हैव ऑलरेडी रेड एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट ऑल्सो। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट और एनसर्कल प्रोनाउंस इन दीज लाइन्स। इन फर्स्ट लाइन आई, हु इज़ आई हेयर, सुनील गावस्कर। जो आई वर्ड है वो सुनील गावस्कर के लिए यूज़ हुआ है, तो आई हेयर प्रोनाउन है। माई अंकल, माई अंकल पोजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पर, और आपकी बुक में बेटा ये एक तरह से माई अंकल पोजेसिव एडजेक्टिव है माई यहाँ पर, लेकिन आपकी बुक में ये प्रोनाउंस वाले वर्क यूनिट में दिया गया, तो हम इसे भी अंडरलाइन कर सर्कल करेंगे। फोर आई हैव, आई इज़ ऑल्सो हेयर। इन फर्स्ट लाइन देर आर थ्री प्रोनाउंस आई माई एंड आई, यू विल सर्कल इट। वट वुड हैव हैपन्ड इफ ही हैड नॉट बीन अलर्ट, ही हैड नॉट बीन, ही इज़ ऑल्सो प्रोनाउन हेयर, ही इज़ यूज फॉर द अंकल। Perhaps I would have, I in second line also again for Sunil Gavaskar is used, to be a fisherman working. In third line there is no pronoun. In fourth line I often think about the baby who, for a spell I and who, who is a relative pronoun. Relative pronoun आप पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम कि relative pronoun क्या होता है। I don't know if he is interested, and I and he, these words are pronoun. In is interested in cricket or whether he will ever read this book, और क्या वो, कि मुझे नहीं पता कि वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है या इस बुक को वो कभी पढ़ेगा। He will, he is used here for the baby with whom सुनील गावस्कर वाज एक्सचेंज। आई कैन ओनली होप दैट इफ ही डज, कि मैं ये होप कर सकता हूँ। आई हेयर अगेन यूज फॉर सुनील गावस्कर हेयर, जहाँ पर भी आई यूज़ हुआ है बेटा वो सुनील गावस्कर के लिए यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर आई वर्ड जो है प्रोनाउन है और वो सुनील गावस्कर के लिए, ही अंकल के लिए भी यूज़ हुआ है और बेबी के लिए भी। हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, वो बेबी के लिए यूज़ हुआ है। ही विल स्टार्ट टेकिंग अ लिटिल मोर इंटरेस्ट इन सुनील गावस्कर। नाउ हेयर वर्क लेफ्ट हैंड साइड सम नेम्स आर गिवन एंड प्रोनाउंस यूज, कि आपको बताना है सुनील गावस्कर के लिए इस स्टैंजा इस एक्सट्रैक्ट में कौन से प्रोनाउन यूज हुए हैं। आई एंड माई, द बेबी, बेबी के लिए हमने ही प्रोनाउन यूज़ किया, और हु रिलेटिव प्रोनाउन, अंकल ही। इज इट क्लियर? यू विल एनसर्कल द ऑल द प्रोनाउंस, आई विल सेंड यू इट्स पिक आफ्टर एक्सप्लेनिंग द वीडियो, देन यू विल टैली इट विद देम। वैसे मैंने वीडियो में भी बता दिया आपको कि आप किन किन प्रोनाउंस को आप सर्कल करोगे, किन किन वर्ड्स को, लेकिन इसके बाद मैं आपको एक पिक भी भेजूंगी जिसमें आप टैली कर सकते हो। नाउ वर्कशीट थ्री, रीड द पोएम गिवन बिलो, नोटिस द नाउन एंड प्रोनाउंस यूज इन ईच स्टैंजा। इन द गिवन बॉक्सेज इन फ्रंट ऑफ ईच स्टैंजा राइट द प्रोनाउंस यूज फॉर ईच नाउन। फर्स्ट स्टैंजा, द फॉक्स वेंट आउट ऑन अ कोल्ड नाइट एंड आस्क्ड द मून टू गिव हिम लाइट, सो इट गिव हिम लाइट फॉर ही हैड माइल्स टू गो बिफोर ही रीच द टाउन। ओ हो हो, तो यहाँ पर बेटा फॉक्स के लिए क्या वर्ड यूज है, द फॉक्स वेंट आउट ऑन अ कोल्ड नाइट एंड आस्क्ड द मून टू गिव हिम लाइट, कि उसने मून को कहा कि वो उसे लाइट दे, तो हिम इज़ यूज हेयर फॉर द फॉक्स
तो यहाँ पर हम हिम फॉक्स के वाले कॉलम में लिखेंगे, सो इट गिव हिम लाइट, किसने लाइट दी, इट इज़ यूज्ड फॉर द मून, एंड मून इट को हम लिखेंगे मून के कॉलम में क्योंकि इट जो वर्ड है वो मून के लिए यूज़ हुआ है. इज इट क्लियर, ही हिम इट मून के लिए. नाउ लेट्स सी सेकेंड स्टैंजा, ही फाइनली रीच्ड अ बिग पेन, इन इट पर मैनी डक्स एंड हैंस, ऑन सीइंग हिम दे बिगैन टू रन, द फॉक्स बिगैन टू चेज देम. ही फाइनली रीच्ड अ बिग पेन, कि वो फाइनली एक बिग पेन में पहुँची. ही इज़ यूज फॉर द फॉक्स, एंड इन इट, इट इज़ यूज फॉर द पेन, पेन तो इट जो है वो पेन के लिए यूज़ हुआ है, नॉट राइटिंग वाला पेन बेटा, जो पेन डक्स और हैंस का होता है. तो इसमें इट पेन के लिए यूज़ हुआ है, तो हम इट को पेन के वाले कॉलम में लिखेंगे क्योंकि ये पेन के लिए प्रोनाउन यूज़ हुआ है. ऑन सीइंग हिम दे बिगेन टू रन, कि उसे देखकर, किसे देखकर, डक को देखकर, जो सॉरी फॉक्स को देखकर, दे बिगेन टू रन, डक्स और हैन, दे इज़ यूज हेयर फॉर डक्स एंड हैंस. तो यहाँ पर हम दे को लिखेंगे डक्स एंड हैन वाले कॉलम में और हिम को लिखेंगे फॉक्स वाले कॉलम में क्योंकि हिम जो फॉक्स के लिए यूज हुआ है और दे डक्स और हैंस के लिए. द फॉक्स बिगेन टू चेज दैम, दैम इज ऑल्सो यूज फॉर डक्स एंड हैंस, और डक्स और हैंस के लिए दैम भी यूज हुआ है, तो दैम को हम लिखेंगे डक्स और हैंस वाले कॉलम में. इज इट क्लियर, He caught a hen by the neck, flung a duck on his back, with them he ran fast to his den, in it waited his wife and children 10. He caught a hen by the neck, he is used here again and again for the fox, कि उसने एक hen को neck से पकड़ा, flung a duck on his back, और अपनी back पर duck को flung किया. तो his back, his is also used here for the fox. His को भी हम fox वाले कॉलम में लिखेंगे with them. Hen और duck के लिए यहाँ पर them word यूज़ हुआ है, तो them को हम hen और ducks वाले कॉलम में लिखेंगे. He ran, he again fox, अगर आपका बार बार he आ रहा है तो हम एक ही time लिख रहे हैं उसे. He ran fast to his den, his किसकी डैन, फॉक्स की डैन की तरफ, तो हिज फॉक्स के लिए यूज़ हुआ है. इन इट, इट इज़ यूज फॉर द डैन, कि डैन में वहाँ पर उसके वाइफ और चिल्ड्रन 10 जो हैं वो वेट कर रहे थे. दे एट द हैन एंड डक, दे इज़ यूज फॉर हैन, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. ओके, एट द हैन एंड डक एंड डक एंड थॉट दे हैड वंडरफुल लक, और सोचा कि उनका बहुत वंडरफुल लक है जो आज उन्हें खाने के लिए मिला. आफ्टर द मील, खाने के बाद, दे स्लेप्ट टाइट इन देयर ड्यू दैट मूनलिट नाइट. तो यहाँ पर दे, फॉक्स, वाइफ और चिल्ड्रन 10 के लिए कौन कौन से प्रोनाउंस यूज हुए हैं, दे एंड देयर, देयर ड्यू, ठीक है, देयर यहाँ पर फॉक्स, वाइफ और चिल्ड्रन के लिए यूज़ हुआ है. आई होप इट्स क्लियर टू यू, एंड नाउ फॉर योर होमवर्क, डू द डिस्कस्ड वर्क इन बुक, यू हैव टू फिल योर बुक अप टू हेयर. एंड नाउ दिस इज़ द प्रोनाउन चार्ट बेटा, ये आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, तो आप इसे ज़रा ध्यान से लर्न करोगे. यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, क्या मतलब होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, कि कोई भी प्रोनाउन जब वर्ब से पहले होता है, जैसे मैंने कहा आई रैन फास्ट, आई रैन, रैन यहाँ पर वर्ब है, एक्शन वर्ड है जिसे आप ही एक्शन वर्ड बोलते हो, जिसे हमारे कोई एक्शन रिप्रेजेंट होता है, आई एक्शन वर्ड से पहले आया तो ये सब्जेक्टिव केस होगा. लेकिन अगर ये वर्ब के बाद आएगा, आई रैन फास्ट का कहता, जैसे उसमें नो वन कैन चैलेंज मी इन रेस, तो यहाँ पर जो हेयर था वो कह रहा है कि मुझे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता. यहाँ पर चैलेंज वर्ड जो था वो एक्शन वर्ब था, एक्शन वर्ड था, और मी जो है वो हेयर के लिए ऑब्जेक्ट के बाद, सॉरी वर्ब के बाद यूज़ हुआ है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में था आपका प्रोनाउन, तो आई का बन जाएगा मी, और ये हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव माई, और पोजेसिव प्रोनाउन बनेगा माइन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपकी बुक में नहीं है कहीं पर भी, तो आप इसे बेशक छोड़ सकते हैं, लेकिन ये सारे पर्सनल प्रोनाउन,
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस आपको बता दिया कि वर्ब से पहले अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो सब्जेक्टिव केस में उसे ऐसे यूज़ करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मुझे यूज़ करना है शी या ही, तो मैं लिखूँगी शी राइट्स नीटली। राइट्स यहाँ पर वर्ब है और शी वर्ब से पहले यूज़ हुआ है तो शी हम लिखेंगे। लेकिन अगर मैं बाद में इसे वर्ड को यूज़ करना चाहूँगी तो उसका हर बन जाएगा वर्ब के बाद। तो ये बेटा आप जब बड़ी क्लासेस में हो जाओगे 5th-6th स्टैंडर्ड में तो आपको बहुत और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपके लिए आई होप इट्स इनफ। थैंक यू।